हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो विंडो एसी होता है, बहुत लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि एसी में पानी नहीं निकलता, कूलिंग हो रही है पानी नहीं निकलता, और वो किस रीज़न से नहीं निकलता है और वो रीज़न मैं बताऊंगा आपको। और जो कमी होती है वो दिखाऊंगा आपको कि जैसे कि मान लो कि एक विंडो एसी है, कूलिंग हो रहा है और पानी नहीं निकल रहा है, तो उसमें क्या ऐसा चीज़ लगा हुआ रहता है, क्या कमी होती है जिसके कारण वो पानी नहीं निकलता। ठीक है, तो हमारा जो ये वीडियो है आप लोग पूरा ध्यान से देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि पानी विंडो एसी के पीछे से क्यों नहीं निकलता। और ख़ास करके जब सूखी गर्मी होती है उस समय में क्यों नहीं निकलता। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉयड का विंडो एसी, लॉयड और वोल्टास लमसम एक जैसा ही एसी है जो दिखने में, और डायग्राम जो इसकी वायरिंग होती है या कूलिंग कॉइल होता है या कंप्रेसर होता है या फैन मोटर होता है, दोनों के सेम जैसा ही होता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत लोगों का ये कंप्लेंट जो होता है कि एसी कूलिंग कर रहा है और फर्स्ट क्लास ठंडा भी हो रहा है, रूम मेंटेन भी कर रहा है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम जो कस्टमर की नज़र में होता है कि शायद इसमें गैस कम हो या और भी कोई कमी हो। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए मैं सोचा कि इस वीडियो में आपको बता दिया जाए। इस एसी का भी जो है सर्विस होगा और इसमें गैस लीकेज था, तो हमने इसका जो कूलिंग कॉइल है इसको टांका लगाया है, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये जो कूलिंग कॉइल है इसमें लीकेज था, इसमें टांका लगा है। मैं आपको आगे से भी दिखा दूँ, वोल्टास था एसी का, मैं आपको वायरिंग दिखाया था जो सेम इस तरह से है, और ये भी देख सकते हैं आप लॉयड है ये। और उसमें जो वोल्टास का एक एसी था जो इससे पहले मैं वीडियो बना रखा हूँ, उसमें भी जो बगल में डायग्राम दिया हुआ था वो लॉयड का था, लेकिन एसी वोल्टास का था। तो आपको मैं बता देता हूँ जो मेन मुद्दा है कि कुछ लोगों का कंप्लेंट होता है कि एसी से पानी क्यों नहीं निकलता। तो सबसे पहली चीज़ कि एसी से पानी इस मौसम में, जब सूखी गर्मी में पानी इसलिए नहीं निकलता, सूखी गर्मी होती है, जो हवा होता है वो हवा में नमी नहीं होती है, बहुत कम नमी होती है, ठीक है, इस वजह से भी पानी नहीं निकलता। दूसरा जो कारण होता है कि इसकी जो कंडेंसर जो डिजाइनिंग होती है कुछ इस तरीके से होता है जो मैं आपको आज दिखाऊंगा, भी आप लोग समझ जाएंगे कि अगर सूखी गर्मी पड़ता है तो पानी क्यों नहीं निकलता है। ये देखिए, मैं हाथ में ये ब्रश ले रखा हूँ और ये कचरा है, ये कबूतर वगैरह ने कचरा भर देते हैं इसी में। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये नीचे जो एक पाइप दिख रहा है, ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ये वाली पाइप, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को ये पाइप दिख रहा होगा। ये देखिए, ये कंडेंसर से, ध्यान से देखिएगा, ये कंडेंसर से ये नीचे को जा रही है, बेस में होते हुए, बिल्कुल बेस में टच है, जहाँ से पानी पीछे की तरफ आता है, ये देखिए यहाँ से पानी आता है और इसके जस्ट पीछे ये पाइप बिछा हुआ है बेस में। तो ये इतना गर्म होता है कि जो थोड़ी बहुत नमी होती है, जो थोड़ा बहुत पानी आता है, वो ये पाइप के जरिए वो पानी सूख जाता है। तो ये रीज़न है पानी गर्मी में, यानी सूखी गर्मी में नहीं आने का, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा कि जब सूखी गर्मी पड़ती है तो पानी एसी के पीछे से क्यों नहीं निकलता। आप लोग समझ सकते हैं, ये टोटी इधर लगा हुआ है, मतलब कि जो भी है पीछे का हिस्सा, यहाँ से पानी आता है और जस्ट इसके पीछे पाइप बिछा हुआ है। मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ, ये पाइप देख रहे हैं, बोलो, मैं हाथ उंगली यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आप लोग को दिख जाएगा, ये पाइप है ना, दिख रहा होगा, ये पाइप बिल्कुल बेस में होता है, यहाँ से पानी आती है, यहाँ से पानी पीछे को आता है,
इस तरफ आते हुए यहाँ पे आता है, यहाँ से इधर आता है, जब यहाँ पे आता है तो ये पाइप बिल्कुल बेस में रहता है और यहाँ तक आते आते पानी का हिस्सा जो होता है वो सूख जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा और हमारे इस वीडियो को आप लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक वगैरह सब कर लिया करें, ताकि कोई भी हमारा जो वीडियो है वो बनते ही सबसे पहले आपके पास आ जाए। ओके।